गल्फ ऑयल और ऑयल, जैसा आप जानते हैं, क्रूड ऑयल ऑलरेडी $102 पर बैरल का मार्क क्रॉस कर चुका है, और यहां से भी कंसर्न्स लग रहे हैं कि ये सिचुएशन यहां से वर्सन होगी। मेरे साथ इस वक्त कंपनी के CFO मनीष गंगवाल साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर, किस तरह से देखते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड के जो ये लेवल्स आए हैं, इसका क्या मायने हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी ये देखिए, क्रूड की जो ये वॉलेटिलिटी है, ये कहाँ तक जाके रुकेगी ये तो अभी गेस करना बहुत मुश्किल है। बट जहां तक हमारा बिजनेस का सवाल है, उसमें हमारा एक क्रूड का डेरिवेटिव बेस ऑयल हम यूज करते हैं, जिसमें हमेशा क्रूड से 1 से 2 महीने का टाइम लैग रहता है फॉर एनी इम्पैक्ट टू कम ऑन आपका बेस ऑयल। और वो जो है टाइम लैग, उसके बीच में हमको देखना पड़ेगा कि क्रूड किस बैंड में रहता है। लार्जली हमने देखा है कि क्रूड अगर एक बैंड में बिहेव करता है तो बेस ऑयल एक बैंड में रहते हैं। और इस बार स्वाति जी, एक डिफरेंट चीज हुई है कि बेस ऑयल पहले ही काफी एक प्रिएम्प्टिव रन ले चुका है और काफी बढ़ चुका है। आप पिछले, हम 1 साल की बात करें तो अपने निचले स्तरों से दो दो मतलब डबल से ज्यादा बढ़ चुका है। उस सिचुएशन में हमें नहीं लगता कि अभी बेस ऑयल बहुत ज्यादा यहाँ से वोलेटाइल होगा। अगर ये सिचुएशन बहुत लंबे समय तक चलती है और क्रूड एक एक लेवल को क्रॉस कर जाता है, तब शायद थोड़ा इम्पैक्ट दिखे। पर अभी एज ऑफ नाउ हमें लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बेस ऑयल को इमिडिएटली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एक तो हम सारे प्लेयर इन्वेंट्री भी कैरी करते हैं, एटलीस्ट 2 महीने की, 2.5 महीने की बेस ऑयल की इन्वेंट्री भी कैरी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लैग इफेक्ट है, ऑफ कोर्स, जैसा आप कह रहे हैं बेस इन्वेंट्री कैरी करते हैं। इतना कुछ असर फिलहाल आपको लगता है नहीं होगा, ऑलरेडी काफी बढ़ गया है प्राइस यहाँ से, इतनी संभावना नहीं है कि और वॉलेटाइल हो। बट सर, एक थ्रेशोल्ड क्या देख रहे हैं, किस लेवल के बाद डिस्कम्फर्ट होगा, और वो लेवल क्या है, व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड सर, जो हम नहीं ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो, बट अगर होता है तो जहां से दिक्कतें ज्यादा शुरू हो जाए? देखिए, मैं इसके पीछे एक और बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जब भी बेस ऑयल बढ़ रहा था पिछले 1 साल से, तो वो नियरली 130% कुछ ग्रेड्स में बढ़ा था, सो मोर देन डबल। और वो थोड़ा करेक्ट होके क्या है कि अभी 100% इंक्रीज के लेवल पे आया, तो उसमें ऑलरेडी 20-30% एक करेक्शन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में। और हमने जो प्राइस इंक्रीजेस लिए थे मार्केट में, वो उस सारे जो 130% का बेंचमार्क अगर मैं कहूँ, उसको कवर करते हुए लिए थे। तो एज लॉन्ग एज अगर वो अभी अगर थोड़ा उसमें 10-20% का इंक्रीज भी होता है बेस ऑयल में, तो हमारे जो प्राइस इंक्रीजेस पास्ट के लिए हुए हैं, दैट शुड बी इनफ टू टेक केयर ऑफ आवर पर लीटर मार्जिन। और उसके बाद अगर उसके बियॉन्ड अगर जाता है, तो हमारी इंडस्ट्री और हमने भी हमेशा प्राइसिंग एक्शन लिए हैं, जिससे कि पास ऑन करके हम अपना मार्जिन मेंटेनेंस की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उस पर आ जाएं। और अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये किस लेवल पे जाके हमको बेस ऑयल इम्पैक्ट करेगा। एज फार एज रशिया का सवाल है, वहां बेस ऑयल की डिपेंडेंसी ग्लोबली बहुत ज्यादा बस रशिया पे नहीं है, और स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही कम है। और हमारा 0% इम्पोर्ट अगर हम बोले तो रशिया से होता है, अगर बेस ऑयल या कोई भी रॉ मेटेरियल की बात करें, तो हमें इमीडिएट इम्पैक्ट ऐसा कुछ उसमें नहीं लग रहा है। ओके, रशिया से हमारा इतना कुछ इम्पोर्ट नहीं है, और वो एक कंफर्ट है यहाँ पर फिलहाल, तो इतना असर आप कह रहे हैं नहीं दिखेगा, और अभी जो लेवल्स हैं आपको लगता है उसी लेवल पर ये हवर करना चाहिए। सर, आपके एक एक्विजिशन जो अभी हाल ही में हुआ था, बोर्ड ने अप्रूव किया है, 26% स्टेक आप उठाएंगे, टेक परस्पेक्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। क्लियरली ये आपकी एक कोशिश है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या ई मोबिलिटी स्पेस में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की। थोड़ा सा हमें इसका रैशनल बताइए सर, क्या आगे प्लान्स हैं, और ईवी कितना बड़ा स्पेस है फॉर यू टू ग्रो? तो ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रीफाई करके ब्रांड है, जो टेक्स परस्पेक्ट की ब्रांड का नाम इलेक्ट्रीफाई है, जो कि सैस प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग, उन सब में अपना सॉफ्टवेयर देते हैं और अपने IoT बेस्ड सॉल्यूशंस देते हैं। वो कंपनी ऑलरेडी एक, आज मैं कहूँ 40% इंडिया की जो इलेक्ट्रिक कार्स बिक रही हैं, उसमें किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रीफाई का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और दे आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रीफाई। वो हमारा एक एक मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्टेन सेगमेंट्स में इंडिया में आएंगे। ऑफ कोर्स टाइम फ्रेम उसका बहुत लंबा है, पर जब भी वो आते हैं, हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, अपनी ब्रांड स्ट्रेंथ और हमारी जो OEM रिलेशनशिप्स है, वो तीनों की जो हमारी एक स्ट्रेंथ है, उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में यूज करें। और इन तीनों के चलते हम एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हमने एक इंदिरा चार्जर्स करके UK की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, उसके कार चार्जर्स हम इंडिया में लेके आएंगे।
हमने इलेक्ट्रीफाई में सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट किया जो हमारे को चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रा में मदद करेगा क्रिएट करने के लिए। तो हम एक इकोसिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं करेंटली, जो कि जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक साइजेबल पॉपुलेशन ऑन द स्ट्रीट नजर आए, हम उसमें उस मार्केट को और चार्जिंग और स्वैपिंग और जो भी उसमें वैल्यू चेन है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, उसके लिए हम अभी एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं इन अराउंड। ओके, तो लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके लिए इकोसिस्टम आप बिल्ड कर रहे हैं। बहुत जल्दी सर, एक आखिरी सवाल बिफोर आई लेट यू गो। आपने कंपनी ने अनाउंस किया बायबैक ऑफ 85 करोड़। कितना कैश कंपनी के पास रहेगा आफ्टर बायबैक सर, और किस तरीके का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करेंगे प्रमोटर्स इन दिस बायबैक? तो कंपनी के पास में 500 करोड़ से ज्यादा का एज ऑफ इफ आई टॉक ऑफ 30 सितंबर 500 करोड़ से ज्यादा का कैश था, और हमने 85 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया बोर्ड ने, और ये टेंडर रूट से बायबैक है। तो टेंडर रूट इज जो बोलते हैं सबसे ट्रांसपेरेंट मेथड है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग द प्रोमोटर्स इन द परसेंटेज ऑफ देयर होल्डिंग। तो एक ट्रांसपेरेंट वे है जिससे हम कैश रिटर्न कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, जो हमारे पास में बैलेंस शीट पे कैश है। इट इज एक ये एक तरीका है जो कि हम शेयर होल्डर को अपना कैश वापस करने की उसमें एक बोर्ड की जो कोशिश है। ओके, ऑल राइट मिस्टर गंगवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमें क्विकली अपडेट देने के लिए आपके आगे के प्लान्स पर, और किस तरीके का जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वो सेक्टर के लिए और कंपनी के लिए क्या असर आप उसका देखते हैं।